अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको इतला तो मिल गई होगी अली भाई पे कातिलाना हमले की। अब वो इसमें कुछ इतला दिए हैं कि जख्मी हैं, बहर वो तो कोई मुशतका नहीं है। ज़्यादातर इतला यही कि वो अलहमदिल्ला महफूज नहीं इस हमले में। तो मैं तो इस पे सिर्फ एक शेर पे ही तबसा करके आगे जाऊंगा वीडियो के अंदर कि नूरे खुदा है कुफर की इस हरकत पे हमदर्दन, फुंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं। मैं कुछ अर्सा पहले ट्विटर पे था, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मुझे एक्सीडेंटली ऐड किया गया था। एक ग्रुप है अली नवाज ऑनलाइन, ये तो टोटली अली भाई के अगेंस्ट है। और लास्ट पे भी मैं इनकी अभी आज ही चेक कर रहा था चैनल के ऊपर, तो ये तो बड़े मुतशद्दिद हैं तो ये बरेलवी मकतबे फ़िक्र के अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। लेकिन इस ग्रुप के अंदर मैंने वो डी जी ISPR को मैंने ट्वीट की थी उस वक्त भी कि मुझे एक्सीडेंटली किसी ने ऐड कर दिया है। और आप यकीन करें कि ज़्यादातर नंबर जो 91 के कोड से थे सारे इंडियंस। और मुझे उस वक्त ये चल रहा था इशू मेजर गौरव आर्या वाला कि ये देखें हम पाकिस्तान के अंदर आग कैसे लगाते हैं। तो 10 महीने पहले मैंने जो एक वीडियो शूट की थी उस वक्त आपने रिकॉर्ड की थी, उसमें भी कुछ चीज़ें मेंशन की थी कि ये पुरानी चीज़ें निकाल के अली भाई के अगेंस्ट लेके आए थे। मैं को बहुत बड़ा फॉलोअर नहीं अली भाई का, लेकिन बहुत सारी चीज़ें वो कहते सही हैं और इन लोगों के पास कोई सबूत होता नहीं है। फिर मुझे वही बात याद आती है अली भाई की कि ना मैं वहाबी तो ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। तो वो किताबों के अंदर से जो रेफरेंस निकाल के रहते हैं उनके अपने हाथ की तो कोई किताब नहीं, सारी किताबें इन अहले हदीस की, बरेलवी मकतबा फ़िक्र, देवबंद मकतबा फ़िक्र की हैं। तो ये लोग अपनी इसलाह नहीं करते, उस अकेले बंदे के खिलाफ सारे माज बना के बैठे हुए हैं। बहर उस वीडियो का थोड़ा सा रेफरेंस मैं आपको देता हूँ और फिर उस ग्रुप की भी इन्फो मैं दोबारा शेयर करता हूँ। और सुनने में भी यही आ रहा है कि जिस शख्स ने अली भाई पे हमला किया है वो कोई बरेलवी मकतबे फ़िक्र का था। तो अल्लाह ताला इनको हदायत दे और जो इदारे हैं मुल्की इदारे सिक्योरिटी के और दूसरे तीसरे, उनकी भी वो आंखें खोलने के लिए काफ़ी कि ये तफरकाबाजी की तरफ जा रहे हैं, तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करने। अल्लाह ताला इस मुल्क को महफूज फरमाए और एक बंदा जो इस्लाह की तरफ मायल है सबको इकट्ठा करता है एक जगह के ऊपर, उसके अगेंस्ट ये सारे हो गए। इनको भी देखना चाहिए और बाकी चीज़ों को भी देखना चाहिए कि ये किस राह पे चल पड़े हैं। पहले 10 महीने पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर FIR दर्ज कराई गई कि ये कह दिया, ये कह दिया, फलां कह दिया, जो झूठ है जो बकवास है वो लेके आए थे सामने। उस वक्त भी इनके मुंह टूटे हैं। मैं कुछ थोड़े से रेफरेंस अली भाई के शेयर करता हूँ वीडियो के आगे, तो आप प्लीज़ इसको भी देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेशक पता है कि ये कौन से लोग हैं, बहरहाल अल्लाह ताला सबको महफूज फरमाए किसी बुरे वक्त से। आइए ज़रा मैं उस वीडियो की तरफ चलता हूँ और बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। जज़ाकअल्लाह। जी अब आएँ ज़रा इस ग्रुप का भी जायज़ा लें, अली नवाज़ ऑनलाइन। आप देखते जाएँ ये किसके अकायद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया ग्रुप से जुड़े रहें, और आखिर में देखें नाम निहाद फितना इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, और ये सारे नंबर आप देखें 9191 91। तो सिक्योरिटी इदारों को देखना चाहिए कि जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए वहाँ पर कौन कौन से लोग कहाँ कहाँ से ऐड हैं दुनिया के अंदर से, ये सारे 91 के नंबर हैं। और मैंने उस वक्त भी ये ट्वीट की थी DGISPA को कि ये देख लें ये कौन लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त तकरीबन रात के कुछ 12:30 बज गए हैं। मैं माजर चाहता हूँ इतनी देर से। मैं आजकल एक हॉट टॉपिक बना हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ादा, ये मेरे पड़ोस में ही हैं, झेलम के रहने वाले हैं, बड़े अच्छे आलम दीन हैं, हक गो हैं। आज पूरा दिन सोशल मीडिया पे भी उनका वो जो ख़बर आई थी उनकी गिरफ्तारी की, वो टॉप ट्रेंड बना रहा है कि उनको रिहा करें। सोशल मीडिया के दोस्त भी उसको लगे रहे हैं ट्वीट करने, रीट्वीट करने। तो मैं माजरा चाहता हूँ लेट हो गया, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गई हैं। उनका एक 5 साल पुराना क्लिप था बैत के ऊपर, ये इशू जिसके ऊपर वो कह रहे हैं कि उन्होंने कत्ल की और फिरका वारियत की और बदअमनी की कायम करने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये 5 साल पुरानी वीडियो है, इसको अचानक क्यों जो इस वक्त इशू बना के खड़ा कर दिया गया है। और उसके साथ ही वो दूसरे उलमा जिनकी दुकानदारी बंद हो रही थी, वो उनका भी मामला है। मैंने 2 वीडियो क्लिप्स इसके अंदर डाले हैं, और इसी 5 साल पुरानी वीडियो का जो है रेफरेंस है वो लिंक है जो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलें ज़रा उसकी तरफ चलते हैं, उन दोनों क्लिप्स को देखते हैं और ये मामला सारा देखते हैं कि हुआ क्या है। और अल्लाह ताला उनको खैर वाफियत से रखे जो उनके चाहने वाले हैं। ज़ाहिर है मैं भी उनके चाहने वाला हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं।
इख्तलाफ अपनी जगह इल्मी इख्तलाफ होना चाहिए था, ये ज़ातियात के ऊपर आ गया। और 5 8 पुराना क्लिप उठा के उसको वजह बनाकर इसके पीछे लाजमी बात क्लियर हो जाएगी, आज नहीं कल क्लियर हो जाएगी, वापस आ जाएंगे वो। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं। अली भाई, अगला सवाल है, चंद बरेलवी और अहले हदीस उलमा ने आपके एक जुमले को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश करके ख्वाब खूब हंगामा खड़ा किया है कि आपके नज़दीक कादियानी सिर्फ इसलिए काफिर हैं क्योंकि वो आपकी तकफीर करते हैं, अदरवाइज आप उनके मुसलमान माने के हमा वक्त तैयार बैठे हैं। तैयार बैठे हुए हम तो आपको भी मुसलमान मान रहे हैं अल्लाह के फजल से, कि जिनके बुजुर्गों ने ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह पढ़ाया, और वो किताबें आज तक आप लोग छाप रहे हैं। आप देख लें फिर हमारा ही जिक्र है। सही बात। तो आप ज़रा पहले अपने घर की भी खबर लेना कि आपके बारे में क्या शरी हुक्म नाजिल किया जाए, आप पे 295C लगवाई जाए या क्या किया जाए। जी, तो ये तो मैंने एक जोक के तौर पर एक बात, ये ट्वीट है कोई उनकी गिरफ्तारी के थोड़ी देर बाद, और इस वक्त सोशल मीडिया पे अपील की थी उनके रिहाई के लिए सारे लोग आवाज़ उठाएं। इख्तलाफ रहा अपनी जगह, लेकिन ये बात तो नहीं थी। ये है वो बात, रवायती उलमा मौलवियों की दुकानें बंद हो रही थी, इल्मी नहीं जज्बाती जवाब थे। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है, इल्मी इख्तलाफ होना चाहिए था। और ये देखें फ़िरकावारिया से पाक वो इंजीनियरिंग आ रहे थे लोगों के दिमाग की, ये भी साहब ने ट्वीट किया हुआ किसी ने। ये है एक दूसरे को काफर के फतवे देने वाले एक मर्द हक के खिलाफ इकट्ठे हो गए मुनाफिक के अर्श वाले, मेरी तौकीर सलामत रखना। फिरका वारियत बिल्कुल सही है, ये सारे फिरकों वाले उनके अगेंस्ट हुए हैं। ये भी किसी का एक मौकफ है, ये खबर आई हुई है, पीटीए और एफआईए और पैमरा को नोटिस दी, पैमरा तो वैसे सोया रहता है अक्सर। और ये मर्द आका, ये दूसरे पढ़े लिखे लोग हैं, ये उर्दू की ट्वीट थी, कुछ इंग्लिश में भी आप देखिएगा, पढ़े लिखे बच्चे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के। ये खैर उसका अपना मौकफ है कि वो इदारे के खिलाफ चले गए हैं पंजाब पुलिस, हालांकि वो तो अपना काम करते हैं, बल्कि किसी ने अप्रोच किया तो वो काम कर रहे हैं ना। ये है उलमा इसु जिनका जिक्र है अहादीस के अंदर भी, कुरान हदीस के अंदर भी, वो झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ें छुपाते रहे हैं आवाम से। ये है यही असल बात है कि वो कुरान और हदीस को पूरे रेफरेंस के साथ कोट करते हैं, और यही जो फिरकाबाजी वाले लोग हैं ये सारे उसके खिलाफ हो गए हैं। और ये एक मोहतरमा है, उनकी ट्वीट भी चेक कर लें। सब लोगों का मकोई है कि दुकानदारियों वाली जिनकी बंद हो रही है वही लोग इनके खिलाफ हुए हैं, और ये उनकी सपोर्ट में कोई साहब बोल रहे हैं कि इंशाल्लाह हम उनके साथ खड़े हैं। आप भी अपनी आवाज़ उठाइए, और इंजीनियर साहब अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और इदारों से भी हमारी यही दरख्वास्त है कि मेरिट पे फैसला किया जाए। मैं इस मौके पर अल्लामा इकबाल को ज़रूर कोट करूँगा, वो कहते हैं कि मुल्ला की अज़ां और है मुजाहिद की अज़ां और, तो ये मुजाहिद की अज़ां थी, इस पे लब्बैक कहिए। एक शेर और याद आ रहा है, मैं जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं जो देखता हूँ वो बोलने का आदी हूँ, मैं इस शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। अल्लाह ताला आपको सलामती के साथ हिफ्ज़ो ईमान के साथ अपने घरों में रखे। दोस्तों मेरा मानना यही है कि जहाँ पे कुछ बैरूनी अनासर मुलव्वस हैं वहाँ पे कुछ नादान दोस्त पाकिस्तान से भी इस मामले के अंदर मुलव्वस हैं, तो ज़्यादा बेहतर यही है कि इदारे जो हैं इसकी प्रॉपर तहकीक करें, और जो भी इसमें मुलव्वस पाएगा उसको मुनासिब सज़ा दें। अली भाई हमारा असासा है और उनकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आने वाले वीडियोस देख के आपको अपडेट मिलती रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।